आप देख रहे हैं BHBC News। पहले फिश को कई वजहों से याद किया जाता है। मध्य एशिया के दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी जंग और तेज होती नजर आ रही है। अब दुनिया के अन्य देश इन दोनों देशों के बीच बिगड़े हालात को सामान्य करने में लगे हुए हैं। सेनाएं आमने सामने हैं, गोला बारूद लगातार जमा किया जा रहा है और दोनों के बीच लगातार गोलीबारी भी हो रही है। दोनों देशों ने अब एक दूसरे के इलाके में हमले करने का आरोप लगाया है। इस बीच तुर्की ने आर्मेनिया को धमकी दी है कि दुनिया हमारी दहाड़ तो सुनेगी। तुर्की के इस धमकी के बाद आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके 125 विमान को तुर्की के F-16 विमान ने मार गिराया है। इस पूरे विवाद में तुर्की के कूदने के बाद अब रूस के साथ उसके छद्म युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि इस विवाद के केंद्र में नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका है, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके में आर्मेनिया का कब्जा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। आजादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा ट्रांसकॉकाजियन फेडरेशन अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। 1980 के दशक से अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मार डाल दिया गया और 10,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहां गतिरोध जारी है। इससे पहले यहां साल 2016 में भी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी। आर्मेनिया और अजरबैजान में जमीन के इसी टुकड़े को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इस बीच आर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। दावा किया है कि उसने अजरबैजान के दो हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। दोनों देश में छिड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस भी मैदान में आ चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। आप देख रहे हैं BHBC News।